खीरी से इस वक्त की खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी के अधीक्षक पूनम ने अपने दल बल के साथ, आपको बताते चले कि SSB फोर्स के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पर आगरा लागत संशोधन कानून के समर्थक में आगरा की निकाली गई एक विशाल भाजपा रैली। मंच पर भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता देव सिंह केशव मौर्य। अशीनगर पुलिस ने आज थाना अंतर्गत सेमरा गोपाल मन से पिछले 3 महीने से अवैध शराब से यहां पर शराब की खेप ढोने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। थाना प्रभावित जनपद मुजफ्फरनगर में कोर्ट रोड स्थित IQ सुपर स्पेशलिटी आंखों के अस्पताल में आज अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा ही एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आए दिन विवादों में रहने वाले मेरठ के चौधरी सिंह विधि के गेट के बाहर आज दिन दिहाड़े एक छात्र पर कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। फायरिंग करने मेयर थाना चौरंदी क्षेत्र में हापुर रोड करीम नगर वाले पुल से पहले यहां पर शराबी ट्रक चालक ने आगे जा रहे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी है। बरेली से खबर आ रही है। बरेली SSP शैलेश कुमार पांडे द्वारा ही दिया गया निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर सहायक पुलिस अधीक्षक COCT तृतीय द्वारा यहां पर प्रभावी निरीक्षण। ऊना जनपद कभी कमलकारों की धरती कही जाती थी, आज बलात्कारों की धरती कही जा रही है। महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध को रोकने में पुलिस है नाकाम। जनपद मुरादाबाद खंड विकास अधिकारी तथा ब्लॉक प्रमुखी पति द्वारा अगुवाई में ब्लॉक के हितोषी सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ब्लॉक कार्यक्रम में परिषद में बागपत सुगर मिल तौल केंद्र पर घटतौली मिलने पर गुस्साए किसानों ने सुगर मिल गेट पर जमकर किया हंगामा। वहीं आपको बताते चले जनपद औराई नगर में काशीराम कॉलोनी बंदिश का शोषण होता आ रहा है। काशीपुर कॉलोनी में बंदिश का विगत वर्षों से एक साथ बिजली भुगतान का दबाव ना होते हुए आपको बताते चले इतना ही नहीं बिजली जनपद औराई नगर में काशीराम कॉलोनी बंदिश का शोषण होता आ रहा है। काशीपुर कॉलोनी में बंदिश का विगत वर्षों से एक साथ बिजली भुगतान का दबाव ना होते हुए आपको बताते चले इतना ही नहीं बिजली विभाग को आने वाले बोर्ड परीक्षाओं का भी नहीं है ध्यान। औरैया से खबर आ रही है। सत्ता पक्ष के जिला पंचायत अध्यक्ष की सरकारी भ्रष्टाचार से है पीड़ित, शिकायत करने पर भी नहीं हो रही भ्रष्टाचारी की कार्रवाई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने यहां पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 8-10 महिला दल पहुंच चुकी है जहां मैदान में तख्तियां को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मैदान में इटावा SSP आकाश तोमर के निर्देश में इटावा जनपद को मिली सबसे बड़ी सफलता। उसाराहार थाना क्षेत्र के चोबिया में थाना पुलिस SOG टीम की संयुक्त चेकिंग के अवैध देसी शराब का ट्रक पुलिस के हाथ लग गया है। विद्यालय चिघोरतारा सरेनी यहां पर आपको बताया चले कि रायबरेली प्राथमिक विद्यालय के अंदर 11,000 की लाइन गई हुई है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते भी हैं। आपको तस्वीरें में दिखा जा देख भी सकते हैं लेकिन आपको बताते चले कि 2-3 बार तार टूट कर भी गिर गई है। लेवी मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से आज बवादपुर यहां पर बसाव देवपुर गाँव में सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर ग्रामीण भाई बहनों और बच्चों के संग भोज का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा किया गया आयोजन जिसमें देवा नदी में जल भर यहां पर आपको बता चले श्री बालाजी दरबार में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। काफी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बताया चले कि जिसका शुभारंभ DAV सेल्वा कुमारी जे वे CMO प्रवीण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यहां पर रैली टाउन हॉल से चलकर जिला अस्पताल में संपन्न हुई। कार्यक्रम में चौकी के पास चल रहा पेट्रोल पंप आज फिर आपको बता चले कि भोर में यहां पर बैखो बदमाशों ने चौकी के महजी 500 मीटर दूरी पर ही पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार आधा दर्जन यहां पर बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप मांगा फिर पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर लूट की घटना को आपको बता चले कैबिन में घुसकर 20,000 रुपए लूट मैनेजर को गोली मार दी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।